हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चीज़ी कॉर्न बॉल्स। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है और ये रेसिपी ऐसी है जिसे बच्चे बड़े घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अपनी शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे मैकेन के फ्रेंच फ्राइज, स्माइली टिक्की हम स्टोर करते हैं, जब मन चाहे हम उसको फ्राई करते हैं और खा लेते हैं। सेम इसको भी आप जब चाहे फ्राई करना है आपको फ्रिज में, आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और फ्राई करिए, यू कैन जस्ट हैव इट, यू कैन एंजॉय इट। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्न को बॉईल कर लेंगे। जब तक ये स्वीट कॉर्न बॉईल हो रहे हैं, मैंने दूसरी साइड आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये कॉर्न जो है अब हमारे बॉईल हो चुके हैं। कॉर्न के साथ हमें 3-4 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च, इनको चॉप कर लेंगे। अब ये चॉप हो चुके हैं। इसके साथ हमें आलू जो है वो मैश करके इसको मिक्स करना है। आलू और ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा कटा धनिया। इसके साथ हम इसमें डालेंगे बारीक कटी शिमला मिर्च और थोड़ा सा मोजरेला चीज़। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और ऑरिगेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। इसका अच्छा सा एक मिक्स करके बैटर बना लेंगे। अभी हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेंगे और थोड़ा सा उसमें 1/2 स्पून मैदा डालेंगे। उसमें हम नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो सबको मिलाकर पानी के साथ एक घोल बना लेंगे। अब हम अपने पेस्ट को लेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे कि आपके हाथों में चिपके नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप इसको अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं। मैंने एक स्क्वायर और एक बॉल, 2 शेप दी हैं। इसको कॉर्नफ्लावर के पेस्ट में डिप करके उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे हम इसमें। ब्रेड क्रम के साथ कोट करके हम इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाए। अभी मैं एक डिप तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है मेयोनीज और होममेड शेजवान सॉस, थोड़ी सी केचप। अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक एक करके गरम तेल में इसको डाल देंगे। जब ये एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको एक एक करके पलट देंगे। पलटना हमें बहुत ध्यान से है, क्योंकि इसमें चीज़ होता है तो वो फट सकते हैं। अभी ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो हम अपनी बॉल्स को निकाल लेंगे। ये सारी बॉल्स को हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे और नाउ द डिश इज़ रेडी। इसको डिप के साथ एंजॉय करिए, केचप के साथ एंजॉय करिए। इफ़ यू लाइक द रेसिपी, डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक